हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले रेडमी K20। इसमें प्रॉब्लम ऐसा है, ये फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा है। हमने इसको चेक कर चुका है, बैटरी वगैरह सब चार्ज है कि नहीं। बैटरी भी चार्ज है लेकिन ऑन नहीं हो पा रहा है। तो चलिए देखते हैं, कुछ नया सीखते हैं आज। तो ये फ़ोन में प्रॉब्लम ऐसा है गाइस, ये फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा है। तो हमने इसका CPU वोल्टेज चेक किया है, CPU वोल्टेज नहीं बना रहा है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं माइक्रोस्कोप पे और माइक्रोस्कोप ऑन कर देते हैं, और उसके बाद ये शील्ड काट देते हैं कोने की। ये शील्ड हमें काट देनी है पूरी, इधर का भी एक कोना काट देना है, उधर का भी एक कोना काट देना है। इससे होगा ये कि हमारा जो IC है वो उतारने में मदद मिलेंगी हमें। अगर आपको कोई फ़ोन रिपेयर के लिए डालना है तो जो नीचे दिया हुआ नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर कीजिए कि आपको कोई फ़ोन रिपेयर कराना है कि नहीं। तो आपको इसी तरीके से वहाँ पर बता दिया जाएगा कैसे क्या पार्सल लगाना है। तो आप व्हाट्सएप पर चैट ज़रूर कीजिएगा या तो कॉल कर दीजिएगा डायरेक्टली। तो सबसे पहले ये शील्ड काट लेंगे हम और इसका CPU उतार देंगे। ये हमारी शील्ड कट चुकी है, देख लीजिए। अब हम वाटर गन से हीट मार रहे हैं और धीरे धीरे शील्ड निकाल रहे हैं बाहर। देख लीजिए, हमारी शील्ड बस निकलने ही वाली है अभी। ये निकल चुकी है हमारी शील्ड, ये हमने अभी टेप लगा दिया हीट सिंक। हीट सिंक टेप इसलिए लगाया गया इसके बाजू में जो IC लगी है हमारी UFS चिप को ड्राई ना हो। तो चलिए अब हीट मारना चालू करते हैं, हम प्रोसेसर बाहर करते हैं। तो अभी प्रोसेसर हमारा गर्म होने ही वाला है गाइस, देख लीजिए नीचे से बुलबुले आ रहे हैं। थोड़ा और गर्म कर लेते हैं और ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है ब्लेड को, जो है एकदम आराम से धीरे धीरे डालना है। आपने अगर ताकत लगा दिया गलती से भी तो ये होगा कि आपकी एक तो नीचे की प्रिंट उखड़ जाएंगी या तो CPU की प्रिंट उखड़ जाएंगी। देख लीजिए, ना हीट कम होना ना हीट ज़्यादा होना। हीट ज़्यादा रहेंगी तो CPU ख़राब होगा, हीट कम रहेंगी तो ट्रैकें टूटेंगी। तो दोनों के बीच में रखना हीट। अभी हम 360 पे निकाले इसे। तो चलिए इसे फटाफट पूरा मदरबोर्ड क्लीन कर लेते हैं। पहले हम कहिए की मदद से शोल्डर निकाल लेंगे एक्स्ट्रा जो है, फिर उसके बाद डिसोल्डरिंग वायर की मदद से मदरबोर्ड क्लीन कर लेंगे। ये बस मदरबोर्ड अभी हमारा क्लीन होने ही वाला है। देख लीजिए, मदरबोर्ड हमारा क्लीन हो चुका है, हमने साफ़ कर दिया है, एकदम परफेक्ट हो चुका है हमारा। बस ये आजू बाजू का जो ग्लू है ये हम साफ़ कर देंगे कोई टूल की मदद से। अभी हम ट्यूज़र से साफ़ कर रहे हैं आजू बाजू का ग्लू, और एक बार और हम अभी डिसोल्डिंग वायर की मदद से इसे क्लीन कर लेंगे। तो ये देख लीजिए, अब हमारा पूरा एकदम क्लीन हो चुका है, प्रॉपर पूरा एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब आ जाते हैं हमारे CPU पे। ये हमारा प्रोसेसर रहा फोन का, अभी इसे क्लियर कर लेते हैं इसको पूरा। देख लीजिए, आपको भी इस तरीके से ग्लू काट लेना है, एकदम हीट कम रखनी है ना ज़्यादा रखनी है, नहीं तो अंदर का ग्लास IC का डैमेज हो सकता है। अगर आप कोई भाई को रिपेयरिंग के लिए फ़ोन डालना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिए। आपके पास मॉडल कोई भी रहे, आईफोन रहे और चाहे कोई कंपनी का फ़ोन रहे, सैमसंग रहे, आप नीचे एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, आपको पूरी डिटेल बता दी जाएंगे। तो बस एक बार और ये डिसोल्डिंग वायर की मदद से हमें क्लीन कर लेना है ग्लू निकालने के बाद में। ये बस हमारी IC साफ होने ही वाली है अभी, ये साइड के कोने भी हम साफ कर लेंगे। तो अभी इसमें थोड़ा थिनर डालते हैं और इसको तार के ब्रश की मदद से घिस डालते हैं। तो उससे होगा ये कि इसका जितना भी कार्बन है वो पूरा साफ हो जाएगा। देख लीजिए आप, इस तरीके से तार की ब्रश से हमें घिस देना है, तो उससे पूरा कार्बन जो है नीट एंड क्लीन हो जाएगा, पूरे पॉइंट एकदम चकाचक हो जाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है बहुत जल्द। अभी ओके होता है कि नहीं होता है ये तो हमको भी नहीं पता है, अभी हम वीडियो बना रहे हैं। होल से होल मिलाना है स्टेंसिल के, उसके बाद PPD लगा देनी है। और ये हमारी स्टेंसिल थोड़ी ख़राब है, बीच में से कई बार बॉल ऊपर आ जाते हैं, तो एक इस बार आते ही कि नहीं वो भी देख लेते हैं अभी हम। नहीं, इस बार आए हैं, हल्के आए। तो हम इसे कट कर देंगे और एक बार और PPD लगा के फिर से बॉल बना लेंगे। ये फाइनली गाइस हमारे बॉल बन चुके हैं। थोड़ा बीच बीच में जो कचरा है शोल्डर वायर का वो निकाल लेते हैं हम, उससे नहीं तो कई बार क्या होता है जब अपन हीट मारो तो CPU शॉर्ट हो जाता है। तो ये पेस्ट लगा के हीट मार दिया हमने CPU को, अभी मदरबोर्ड में लगा देते हैं। तो IC का जो नॉइस है जहाँ पहले था वहीं रखना है हमें, नहीं तो अदरवाइज गलती हो सकती है आपसे। वैसे इसमें नीचे वो बना हुआ रहता है, उसके हिसाब से हम देख के रख सकते हैं।
तो बस ये हमारा सीपीयू अभी बैठने ही वाला है गाइस, ये हीट मारना चालू कर दिया है हमने, बस थोड़ा सा बचा है। अभी पेस्ट आया नहीं है बाहर, अगर पेस्ट बाहर नहीं आएगा तो हम हल्का सा, देख लीजिए पेस्ट आ चुका है बाहर, इसका मतलब ये है हमारा सीपीयू बैठ चुका है। पेस्ट हल्का सा बाहर आने का मतलब ये है गाइस कि हमारा सीपीयू जो है प्रोसेसर वो बैठ चुका है। तो बस अभी थोड़ा सीपीयू तो बैठ गया और हल्की हीट और मार देते हैं थोड़ी, बस काफ़ी है इतनी। तो अभी हम इसको थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने देते हैं, हमारा बोर्ड ठंडा हो चुका है, अभी हम फटाफट इसे चेक कर लेते हैं। थोड़ी हमने वीडियो की स्पीड इसलिए बढ़ा दिया है, फिटिंग का काम बोर ना फील हो आपको, कैमरे वैमरे हम बाद में फिट करते रहेंगे कस्टमर को जब फिट देंगे, अभी सिर्फ चेक करके देख लीजिए गाइस हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। अगर आपको भी इसी तरीके से कोई फ़ोन रिपेयर कराना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक के आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको ऐसा लगता है मैं कोई और दूसरे मोबाइल पर वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।